तो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट शुरू हुआ है। तू पैदा हुई तो उसके बाद शुरू हुआ था, है ना? मुझे भी बहुत ऐसे तो प्राउड फीलिंग हो रही है। जियो बोर्ड, जियो बोर्ड जिससे स्कूल में नहीं, इट्स अ मैनिपुलेटिव, राइट? फॉर ज्योमेट्री शेप्स, लाइक शेप, लाइक शेप है ये रेक्टेंगल, काउंट द विड्थ एंड द लेंथ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं शफीक और आप देख रहे हैं शफीक की दुनिया। आज जोई का बर्थडे है और इसकी रिक्वेस्ट थी कि इसको जियो बोर्ड चाहिए था, तो हमने कहा इसके साथ मिलकर बनाते हैं। आप लोग भी देखें, बहुत ईजी है, बच्चों को बना के दें, मज़ा आएगा और फन होगा। और फिर जोई खुद भी पार्टिसिपेट करेगी और कुछ सीखेगी भी, और फिर उसके बाद जियो बोर्ड बनाने के बाद और सीखेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जोई मुझे हेल्प करेगी और जोई भी शुरू हो जाएगी। जोई सबसे पहले क्या करना है पता है? ये पानी की बोतल क्यों रखी है? हटाओ इसको। अच्छा, सबसे पहले जोई क्या करेगी, हमें इसके हिस्से करने हैं, तकरीबन 8 जगह पे हमें डाउल लगाने हैं। तो सबसे पहले बेस्ट ये है कि यहाँ से कोने में टच करो इसको, 1 इंच के करीब है तो ये 1 इंच के करीब, ये 2-3 दफ़ा ही हमने लाइन बना दी ताकि हमें मार्क मिल रहा है, ठीक है? क्या समझ गई? हाँ, अब इसके साथ मैच करके रखना, इसके नेप तोड़ नहीं देना, ओके? ये हो गई, इसी तरह हम कंटिन्यू जाएंगे वहाँ तक। तो तू कर लेगी, ये इजी है ना? गुड। मामला कहाँ तक पहुँचा? जिसने जल्दी में थोड़ी लाइन गलत कर दी है। लेकिन आपने बूट का पीस बड़ा अच्छा लिया है ना? तो फिर मेरी बर्थडे पे भी दोगे? हाँ, मुझे इतना बड़ा चाहिए, अलग अलग डिजाइन बना सकूँ, ऐसा इतना बड़ा बनाना कि मैं वॉल पे लगा सकूँ और रोजाना अलग अलग रबर बैंड से अलग अलग डिजाइन बनाऊँ। फिर तुझे आ भी जाएगा ना, तो खुद ही बना के दे देगी ना मुझे। मैं ही हैप्पी टू यू। दादा जान हेल्प कर देंगे। अब ये जो है देख रहे ना, स्क्वायर बना है ना, ये 1 इंच पे अपन इसको मार्क करेंगे, ईच इंच पे, एवरी इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है? ये अब काटने के लिए हम 100 से भी काट सकते हैं, और काटने के लिए हम तो ये नोज प्लायर है, नोज प्लायर से काटने में क्या थोड़ा सा दब जाएगा एंड इसका, मगर दबने के बाद भी वो अंदर चला जाएगा दबने वाला हिस्सा, ठीक है? तो यूँ घुमाएंगे, थोड़ा सा टाइट करते जाएंगे और घुमाते जाएंगे, यूँ काट लेंगे। यूँ यहाँ पर एक होल करेंगे इसी साइज़ का, उसी साइज़ की ड्रिल लेंगे, दो के साइज़ की। डन, करने कर दे, करने लग। क्यों, तू क्यों नहीं कर सकती? देख, और थोड़ा सा ही करना है सिर्फ, कितना? इतना। अब इसके अंदर डाल डाल के देखते हैं, ये देख। अब क्या करेंगे, ये रुकेगा तो नहीं ना, तो हमने इसीलिए ये जो ग्लू जो लिया है ना, वो इसीलिए लिया है कि एक ड्रॉप ग्लू का इसमें टपकाएंगे, ये देख ग्लू गया, और उसके बाद ये इसमें डाल देंगे यूँ। तो मैंने ये वेलक्रो जो है वो बांध दिया है, बना के रखा हुआ है कि कोई भी टेप बांध सकते हैं, ये इतना खड्डा करना है। ये वेलक्रो जो है ना वो टच होगा ना, या कोई भी टेप यहाँ बांधते हो ना वो टच होगा ना, तो उसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाना है अंदर। अब जो है टेप जो है वो, टेप कह रहा हूँ, टेप या वेलक्रो जो भी टच होगी ना नीचे, वहाँ तक जाना है अपने को। ये टच हो गई है, बस दैट्स इट, इसको निकाल लेना है, ओके? इससे ज़्यादा नहीं जाना है। सेम चीज़ इसी तरह ये काटनी है अपने को, चाहे 100 से काटो, ये 100 से भी काट सकते हैं इसको, और फिर उसके बाद चेक करने का एक दफ़ा कि सही जा रहा है। यस, इज गुड। ओ, तो ये लकड़ी का सही काटती काटती इतनी छोटी छोटी इतनी, अच्छा। और ये तो मेरी है, वो उसकी केक पॉप की। मैं तो एक्चुअली डॉलर स्टोर से लाया था, आर्ट एंड क्राफ्ट चलते, तुम वहाँ से लेती हो? यूँ नहीं, मेरे पास बहुत सारी ये है ही, ऑर्डर की भी थी पहले से। मैं खामखा $1 खर्च किया गया। $1 ही खर्चा है ना, नो प्रॉब्लम।
ग्लू करके डाल रहे हैं कैसे? वुड ग्लू है मगर ये स्कूल ग्लू नहीं है ऐसे, ये स्कूल ग्लू की बोतल थी एम्प्टी इसकी, तो मैंने ले ली थी। देख एक ड्रॉप डाला इसके अंदर एंड देन अगेन इसको डाल दिया थोड़ा सा बेड वाला हिस्सा अंदर। तो ये भी यूज़ कर लेने का हैमर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, नहीं जज करते हैं ऐसा करते हैं, ठीक है? तो ये भी हो गया। अब जोई करेगी। जोई गो अहेड, ड्रिल, यहाँ से ड्रिल पकड़ने का है। स्लोली स्लोली, हाँ गो गो, क्या दे रहे? हाँ सही है। अब इसको निकालने का, रिवर्स करके इसको निकाल। अब देखते हैं जोई ने काम सही किया कि नहीं किया। अब ये काट, इससे आरी से नहीं काट, सो से नहीं काट, सो से नहीं। अच्छा तू प्लायर से काट, ये 1 इंच का मार्क है ना। हाँ, अब दबा। यहाँ पर ये रख, देख ब्लेड के पास एंड देन अब प्रेस कर, कट कट, रेडी, हेल्प करो। हाँ। ओके गो। अरे वाह, कट गया। कर लिया। अब क्या करेगी जोई? ये ग्लू खुला है, ग्लू खुला है। वन ड्रॉप ऑन लियो क्या? ए इतना बहुत थोड़ी, ये क्या यहाँ कोई केक थोड़ी बना रहे हैं? जो दानी का केक, केक बन रहा है क्या? क्रीम, क्रीम लगा रहे हैं क्या? है? क्या मैं और क्रीम? That's not cream. तो अब ये जिस तरह से लगा रहे हैं ना, एक एक काटने की जरूरत नहीं है, एक साथ भी काटा जा सकता है। कैसे? और इसको यूं करके, यूं ये किया और जल्दी वाला काम। हाँ ये बेटर, मैं भी ये सोची थी एक 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 कब तक कटेगा। नहीं वो तो जोई को, तो जोई को तो यही बता सकते हैं ना एक एक करके। अब ये क्या, हाँ ये बेटर आइडिया है। अब वो जो निशान वाली जो है ना, अब इसको लेवल किया और फिर ये रेफरेंस का निशान है, आरी से ये रेफरेंस के निशान पे काटना शुरू कर। Good kiss day. Happy birthday, Zoe. बस इसी तरह कंटिन्यू करते हैं और तकरीबन 8 यूं जाएंगे और 8 यूं जाएंगे और इसी तरह ये सारे चेकर्स जो बनाए ना सारे भर देंगे और आपको मिलते हैं जब ये फिनिश हो जाए उसके बाद। ओके ये हमारा लास्ट भी हो गया। अब इसे सूखने देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? डेकोरेट करेंगे। और डेकोरेट करेंगे जोई की आइडिया है और ये सूख जाएगा उसके बाद करेंगे। तो मिलते हैं कब? टुमारो। तुम टुमारो मतलब उर्दू में कल। कल तो हम कल मिलेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस प्रोजेक्ट को, ठीक है? उसके बाद तो जोई को बर्थडे गिफ्ट मिलेगा, फिर जोई खेलेगी या जो भी सीखेगी या लर्निंग करेगी वो व्यूवर्स को बताएगी, राइट? गिव मी 5। ये 24 घंटे हो गए हैं, ग्लू सूख गया होगा। अब हम इसे पेंट करते हैं और अंदर इन लोगों ने डेकोरेशन शुरू कर दिया है बर्थडे का छोटा मोटा, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद, पेंट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? और ये वही पेंट है जो हमने स्नोबर के केक के ऊपर नहीं लगाया था, ग्लिटरी पेंट जो था सिल्वर कलर का, तो वो बचा हुआ है तो वो ही यूज कर रहे हैं। दादी जान, मेरे फिकर क्या कर रहे हो? तेरा ही तो काम कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, डेकोरेशन का हो रहा है ना अंदर, तो तू उनको हेल्प कर, मैं पेंट करता हूँ। ये कौन सा पेंट है पता है? ब्लैक कलर का, काला एकदम ऐसा कर रहा हूँ। कौन सा है? सिल्वर। यस, और ग्लिटरी सिल्वर, ठीक है। अच्छा पेंट तुझे करना है तो मैं तेरे को समझा दूं पेंट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट स्टार्ट पे नहीं करना है आइटम पे, तो थोड़ा सा बाहर से स्टार्ट करना है, बाहर जाना है, यो बाहर से स्टार्ट करो बाहर जाओ, बाहर से स्टार्ट करो बाहर जाओ, इस तरह से। तो मुझे दिखाओ। दिखाओ, देख ये करना है। हाँ। कर फास्ट फास्ट, यूं करना दूर से, दूर से थोड़ा ऊपर हाथ। क्या है कपड़े सब कपड़े वपड़े भर देने हैं क्या? हाँ, अब तो ऊपर करती हूँ। रंग निकलेगा भी नहीं इसका। बस बस मुझे लगता है अच्छा हो गया। हो गया, इसका फ्यूम सूंघने का नहीं होता है, थोड़ा दूर रहने का होता है। वो लोग तो मास्क पहन के करते हैं, पता है? आप क्यों नहीं मास्क पहन रहे? मैंने थोड़ा सा तो करना है उसमें, क्या मास्क पहनूं?
इतना करना है। चलें अंदर वो डेकोरेशन देखने जाना, क्या किया क्या नहीं किया जरा देखते हैं अंदर, ये सूख जाएगा तब तक और फिर आते हैं। चल। ओके। अरे वाह, काफी सारा कर लिया मगर अभी भी बाकी है, ये सेक्शन और ये सेक्शन अभी बाकी है। ओ ये था टेबल, अपना अपना टेबल तो यहाँ यूज कर लिया। हाँ? तो फिर हम अपन डेकोरेशन किस तरह करेंगे? इसी पे कर, बॉक्सेस पे या इसी पे कर लेंगे ना। तू 7 इयर्स की हो जाएगी। ओ माय गॉड, और तू कितने इयर्स की हो गई है? 1-2 इयर्स की हो गई है? नहीं, 1 की का है। तो यही टेबल यूज कर लेंगे ना। हाँ, ओके, मैं वो सब बीज वो लेके आती हूँ डेकोरेशन का। हाँ। ओके चलें, तो फिर ये बीड्स और डेकोरेशन का लेने जा रही है, तो फिर हम मिलते हैं पेंट सूखने के बाद। 20 मिनट हो चुके हैं और ये मैं लेकर आया हूँ। अब जोई की आइडिया ये है कि इसके ऊपर बीड्स लगाएगी और मुझे ग्लू का टिपका देना है सबके ऊपर, ठीक है? रेडी? हाँ। क्या मैं वो क्या इसे अब टच कर सकती हूँ? क्या ड्राई हो गया? हाँ हाँ, ड्राई हो गया मगर कम्प्लीटली ड्राई नहीं है, मगर यस ड्राई। या रेड। अच्छा। इस रो पे रेड लगाऊंगी और फिर इस रो पे येलो। जलेगी तो? ग्रीन जलेगी तो नहीं? आप वो ग्लू गन वो करेगा, मैं वो बीड्स लगाऊंगी। रेडी? तो लेट्स गो। ओके, पहले वो स्टार्ट करते हैं रेड के साथ। ओके, ये टिपका मैंने लगा दिया, ठीक है? नाउ गो। गुड, नेक्स्ट रेड पकड़ साइड वे। यहाँ रेड लगाना है पूरे पे? हाँ, यहाँ रेड या येलो। येलो, ये तेरी बर्थडे का गिफ्ट है, मैं देने वाला हूँ, पता? तो आप वो मुझे दे सकते हो टुमारो? टुमारो? हाँ। ऑलराइट, अब गोल्डन है। ये दादाजान बना रहे हैं ना, ये दादाजान गिफ्ट देने वाले हैं ना, अप्पी को गिफ्ट देंगे दादाजान। ये मुंह पे क्या लगा हुआ है सारा रेड रेड? ऑरेंज। नेक्स्ट ब्लू करो। ये ऑरेंज खाया है तुमने? ब्लू क्या? आना की है। आना का क्या है? आना का पसंद का कलर ऑरेंज है। अरे वाह, ग्लू लगाओ। डैडी को भी पसंद है ऑरेंज? अच्छा, दादाजान का पसंद का कलर कौन सा है? रेड। अच्छा, तो आपा का पसंद का कौन सा है? पिंक। तेरा पिंक है? Well, one of my favorite colors. Oh, good. तो आना को सब पता है। किधर जा रही है ना? ये टच ऐसा टूट जाएगा, टच थोड़ी करने का, अभी तो सजा रहे हैं लोग, ये बहुत टाइम लगेगा। क्या लास्ट हाथ में है तेरा? Good girl. Okay, अब ये हो गया सारा, अब बर्थडे वाले दिन मिलते हैं, इसको पैक करके और इसको गिफ्ट करूंगा मैं। आना ये दे। और सरप्राइज गिफ्ट करूंगा, इसको पता भी नहीं है मैंने क्या बनाया है, है ना? एक जियो बोर्ड बनाया। अब इस पे कुछ थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ और डन गिफ्ट। अच्छा, नीचे झुक के पीने का है? हाँ, क्या है इसमें? क्या है? ओ माय गॉड, ये तो आपने बनाया था वो, ये इस बॉक्स में आ गया? बॉक्स में आ नहीं गया, बनाया बॉक्स मैंने। बॉक्स भी आपने बनाया? As I grew older, I thought the best part of my life was over. But then I was handed my first grandchild, Zoya,
and realized the best part of my life had just begun. Aww. This is so, so nice. Allah, kitna, itna achha box. मैं तो कोई मेरे दादा ऐसे बॉक्स दे दे ना तो मैं पागल हो जाऊँ खुशी से. क्या हो दा क्या हो दा क्या हो दा क्यों बोर्न इसके साथ तो बना है. तुम जियो हजारों साल साल के दिन हो 50,000. तो मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट शुरू हुआ है. तू पैदा हुई तो उसके बाद शुरू हुआ था है ना. मुझे भी बहुत अच्छा तो प्राउड फीलिंग हो रही है. ये रहा रबर बैंड. इतने प्रिटी रबर बैंड. वो मेरे फेवरेट कलर है. कैसे खोलेगी? रिप करूं? नहीं नहीं इतना अच्छा है फाड़ना नहीं. प्यार से निकाल. कैसे? हाँ वो दादा जन को पूछना पड़ेगा क्योंकि दादा जन ने बनाया है. सबसे बड़ी बात गिफ्ट की इतनी वैल्यू नहीं है जितना हम दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया उसकी वैल्यू. क्वालिटी टाइम हम दोनों ने दिया क्योंकि गिफ्ट तो खराब हो जाएगा खत्म हो जाएगा मगर जो टाइम बच्चों के साथ या उनके बच्चों के साथ गुजारोगे वो उसकी मेमोरी बन के रह जाएगा. गिफ्ट तो खत्म हो जाएगा. और एक और के भी बच्चा है. एक और का भी बच्चा है आपकी सास का बच्चा. हाँ सही बात है. ये कौन? और मैं ये कहना चाहता हूँ. मैं तो डर गया यार. मैं अचानक से कौन आ गया पीछे. अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी जो मेमोरीज है जैसे इन्होंने टाइम स्पेंड किया वो बच्चों के दिमाग में भी नहीं रहेगी अनलेस ये वीडियो मैं नहीं बनाऊं. वीडियो बनाए उसे सेव करे बच्चे भूल जाते हैं बूढ़े भी भूल जाते हैं. चल निकाल चल. What do you guys think? I don't understand what it is. ये है क्या? The geo board. Geo board. We just say school mein it's a manipulative, right? For geometry shapes. Like shape. Yeah. Like shape है. Yeah. Like this. ये rectangle. Count the width and the length. Make a triangle. Make a triangle. Make a polygon. Six sided. यो ट्राइंगल इज दिस नो. नहीं ये कुछ और है. ये कौन सा एंगल है? ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है. आप राइट ट्राइंगल भी बना सकती है ये इससे. स्केलिंग ट्राइंगल बना सकती है. इट लुक्स लाइक एन आइसोसेलेस. ये सारे वर्टेक्स है. ये छोड़ के यहाँ से शुरू कर उसको छोड़ देना. देखा आपने कि किस तरह से बच्चों का इंटरेस्ट जिस चीज में होता है उसके साथ अगर मिलके आप लोग बनाएं कोई भी एक्टिविटी या कोई आर्ट वर्क या कुछ भी तो क्या है कि उनको याद भी रहता है. जैसे रूफी ने बताया कि याद नहीं रहेगा तो वीडियो बना लेना आप लोग. मगर ये है कि जिस तरह से शेप बनाना सीखेंगे रेक्टेंगल ट्रायंगल ये सारे चीज़ें और उसमें ये वर्टेक्स काउंट करेंगे किस तरह से क्या है तो क्या है कि उन एक्टिविटी में मज़ा आता है उनको भी और आपको भी मज़ा आएगा उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे. देखें कितनी खुश है ये. मेरा ही गिफ्ट उसने खोला बाकी सबके वहाँ पड़े हुए हैं. मेरा गिफ्ट खोला इसने है कि नहीं. तो चले अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. इसके साथ एक्टिविटी करेंगे या कुछ और करेंगे और तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. लव यू ऑल. बाय. अल्लाह हाफिज. मम्मा कहाँ कहाँ से आ जाती है यार.